अच्छा, आपका जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, इसी का एक सेगमेंट है कंडक्टर, उसकी बात करेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी के एंडिंग में आता है और इसी टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा कैपेसिटर वाला, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, पहले तो ये कंडक्टर हम सेपरेटली क्यों पढ़ते हैं, मतलब इसको अलग से एक नाम देने की क्या जरूरत है, ठीक है। वैसे कई जगह इसको नाम दे के नहीं, वैसे नॉर्मली जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, बट फिर भी हम इस टॉपिक को सेपरेट पढ़ रहे हैं क्योंकि ये कैपेसिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पार्ट इलेक्ट्रिसिटी का ही है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो कंडक्टर में जो सबसे स्पेशल पार्ट जो रहता है, जिस वजह से हम सेपरेटली पढ़ते हैं, वो है कि हमारे पास कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बस यही एक रीजन है जिस वजह से हम इसे अलग से पढ़ना बेटर समझ रहे हैं, ठीक। अच्छा, इसे क्या होगा क्या नहीं होगा, वन बाय वन आराम से एक चीज देखते हैं। सपोज हमारे पास एक कोई कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर, ये कोई भी कंडक्टर है, रैंडम स्टेप लिया हमने। तो ये मैं सॉलिड ले रहा हूँ, होलो नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अभी रैंडम मोशन के अंदर होंगे, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन ये नहीं कि सर फिर ये नेगेटिवली चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे क्योंकि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी हमारे पास बाउंडेड आयंस भी होंगे, ठीक है। ये अभी आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है लेकिन कंडक्टर है तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सारी चीज़ें वैसे आपको काफ़ी हद तक पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने से ये स्पेशल कैसे हो जाते हैं, वो इसके अलग अलग सिचुएशन में जो बिहेवियर है उसको लेके अपन बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सिचुएशन कि ये जो कंडक्टर है इसको जो चार्ज दिया जाए तब क्या होगा। सपोज मैंने इस पर क्यू चार्ज ट्रांसफर करा, आप इसे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैं इसे चार्ज ट्रांसफर करूँगा तो बाकी जो नॉन कंडक्टिंग होता है जिसे हम इंसुलेटिंग भी बोलते हैं, उसमें हम अपनी मर्जी से कैसे भी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कैसा भी डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन जैसे आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे यहाँ पर इन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इन पर फोर्स लगेगा। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन फोर्सेस की वजह से इनका मोमेंट हो, मोमेंट तो पहले भी हो रहा था लेकिन पहले मोमेंट रैंडम था, अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर इनका मोमेंट होगा और उस मोमेंट की वजह से ये वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। यानी कि इनका रीअरेंजमेंट होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होगा फाइनली, कब तक इनका रीअरेंजमेंट होगा, जब तक कि हमारे पास यहाँ जहाँ जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कहाँ कर रहे हैं, कंडक्टिंग रीजन में। तो इस पूरे के अंदर जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा तब तक आपके पास ये सब चलता रहेगा, ठीक है। और इस बात को समझने के लिए मैं ये बोलूँगा कि ये जो पूरा चार्ज है ये पूरा का पूरा सरफेस पर आएगा, ये पॉजिटिव है तो इस तरीके से पूरा चार्ज सरफेस पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? सरफेस के ऊपर आ जाएगा। अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, मैंने ऐसे इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोले कि चार्जेस सिर्फ सरफेस पे रहेगा, अंदर क्यों नहीं रहेगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो आपको डाइजेस्ट हुआ कि ठीक है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो इन पे फोर्स लगेगा, रीअरेंजमेंट होगा और फाइनली जब तक फोर्स नहीं लगेगा रीअरेंजमेंट चलता रहेगा, ठीक। तो एट द एंड यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बोलने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए सपोज मैं बोल रहा हूँ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो मैं यहाँ पे एक गॉसियस सरफेस सपोज इमेजिन कर रहा हूँ इस तरीके से, तो इस सरफेस पे कहीं भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फ्लक्स पास नहीं होगा, और फ्लक्स पास नहीं होगा तो यहाँ पे कहीं भी हमारे पास अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए। गॉस थ्योरम ये बोल रही कि इस मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस इमेजिन किया है अंदर,
तो वहां से भी फ्लक्स पास नहीं होता, अंदर चार्ज नहीं होगा। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा चार्ज सरफेस होगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, ये वजह है। ठीक है, तो ये आपको डाइजेस्ट हो गया कि चार्ज पूरा सरफेस पे आएगा। अब देखते हैं कि सरफेस पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट, क्या ये यूनिफॉर्म होने वाला है या फिर ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। जैसा भी होगा एक चीज के लिए 100% श्योर है, वो है कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, वैसे इनसाइड मतलब कंडक्टिंग रीजन, यहाँ कंडक्टिंग रीजन है सॉलिड भी अपना खोलो नहीं दिया, तो इस कंडक्टिंग रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो हमारे पास जीरो आ रहा है। इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब थोड़ा और बेटर तरीके से देखते हैं सरफेस पे नेचर कैसा रहेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैं बोल सकता हूँ कि हर जगह पोटेंशियल क्या होगा एक जैसा, यानी कि पोटेंशियल आपके पास यूनिफॉर्म रहेगा। इस कंडक्टर के कहीं भी दो पॉइंट ले लीजिए, हर जगह पोटेंशियल एक जैसा रहेगा। ठीक है, यहाँ कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। इसी स्टेटमेंट से मुझे आइडिया लगेगा कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, यानी कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस तरीके से रहेगा। यानी कि सरफेस वाले चार्ज की बात कर रहा हूँ, अंदर तो कोई चार्ज वैसे भी नहीं है। अरे थोड़ा सा स्पीयर को लेके देखो, स्पीयर पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट। एक स्पीयर है, इसे कुछ मैंने चार्ज दिया है क्यों, तो इसका जो पोटेंशियल अपन कैसे लिखते हैं, स्पीयर का पोटेंशियल लिखते हैं के क्यू अपॉन आर, जहाँ पे आर इस स्पीयर की रेडियस हो जाएगी। ये मैं इसी को सरफेस डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, तो ये आ गया 1/4πε, और चार्ज की जगह मैं लिखूंगा सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई विद सरफेस एरिया। ठीक, तो इस तरीके से नजर आ रहा है पोटेंशियल कितना आ रहा है, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन। ये तो तब आ रहा है जब हमारे पास एक स्पीयर है, तो स्पीयर के सरफेस पे, कंडक्टिंग स्पीयर के सरफेस पे इतना पोटेंशियल रहता है, अंदर का पोटेंशियल इतना ही रहेगा, मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन स्पीयर में क्या चीज़ खास होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूरे सरफेस की एक जैसी होती है। ठीक है, लेकिन सरफेस यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर एक जैसी नहीं भी होगी तब भी मैं ये तो बोल सकता ना कि पोटेंशियल पूरे सरफेस का हर जगह एक जैसा होगा। तो फिर यहाँ से मैं पोटेंशियल कॉन्स्टेंट में लिख सकता हूँ कि हमारे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इट मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। नियर रैंडम शेप होगा तो छोटे छोटे मैं ऐसे स्पीयर की बात कर सकता हूँ इस तरीके से, तो सारे स्पीयर का पोटेंशियल एक जैसा है तो उनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब जहाँ शार्प एज होगी ना, जैसे ये वाले शार्प एज है, तो वहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल है, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, यहाँ चार्जेस पास पास में है। ठीक है, ये जो फ्लैट रीजन है यहाँ चार्जेस दूर दूर, जहाँ जहाँ शार्प एजेज होगी वहाँ डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। ऐसा सुनो, तो पहले जो स्टेप है जिसमें हम ये बात करते हैं कि किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो हमें पहले से समझ लें कि चार्ज कंडक्टर को जब भी देंगे वो चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर नहीं होगा, उसका रीजन हम डिस्कस कर चुके। और दूसरा ये बोला कि जो सरफेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी इस तरीके से रहेगी, ये हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की। ठीक है, अब कुछ और भी इसके कंडक्टर के बिहेवियर की बात करें। एक पहला बिहेवियर हम डिस्कस कर चुके फर्स्ट वाला, कि जब एक कंडक्टर को चार्ज देंगे तब क्या होगा, बराबर है, बाकी और देखते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि एक हमारे पास अनचार्ज कंडक्टर है और इसे हम यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब क्या नजारा रहेगा। ठीक है, तो एक बार फिर भूल जाओ कि ये चार्ज है, अभी एक कंडक्टर यहाँ रखा है। एक पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विभिन्न करते हैं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ लाइंस ऐसे रहेगी, फील्ड लाइंस। अब यूनिफॉर्म हो ऐसा जरूरी नहीं है, आपको कैसा भी ले सकते हो, बट ऐसे मैं बना रहा हूँ ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ की इस तरीके से, फील्ड लाइंस रहेगी। अब जैसे आप फील्ड लाइन में रखोगे तो समझ में क्या आ रहा है,
कि यहाँ पे कंडक्टर के अंदर ये फील्ड लाइन बता रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर के साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फील्ड लाइन से अंदर से पास हो जाए, और हमें पता है कि इसके अंदर तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इधर के साइड में एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वजह से अंदर वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, दे विल एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आने लग जाएंगे। ऑफकोर्स ये हमारा जो कंडक्टर है अनचार्ज, इसको कोई पहले से चार्ज नहीं था, पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अब फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस साइड में होगा, तो ये वाली जो सरफेस है ये धीरे धीरे नेगेटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगी, ये वाली सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन का इधर मूवमेंट होने की वजह से, इधर के पॉजिटिव बाउंडेड आयंस की वजह से ये वाली सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, एंड ऑफ कोर्स इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो न्यूट्रल ही रहेगी, जितना इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही उधर, सॉरी इधर जितना नेगेटिव उधर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और ओवरऑल आपके पास ऐसे कब तक मूवमेंट होगा, जब तक कि अंदर एक जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड ना आ जाए। अच्छा इस बात थोड़ा आराम से देख लो, बाहर जो पहले एक्सटर्नल था वो अभी भी अंदर उतना ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ये जो आपके पास चार्ज का मूवमेंट हुआ है, इधर जो नेगेटिव और इधर जो पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुए, जिसे आप इंड्यूस चार्जेस बोल सकते हो, इन इंड्यूस चार्जेस से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगा, और इंड्यूस चार्जेस वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो एक्सटर्नल वाले के अपोजिट रहेगा। देख लो, पॉजिटिव चार्ज वाला इधर बनाएगा, नेगेटिव वाला भी इधर बनाएगा, तो इंड्यूस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, और एक्सटर्नल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऐसे, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल वाला और इंड्यूस वाला दोनों अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से फाइनली जिस मोमेंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल मैग्नीट्यूड के अंदर हर जगह हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, जीरो, अंदर रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, ठीक है, अंदर रिजल्टेंट जीरो होगा, एक्सटर्नल वाला जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो अंदर की यदि बात करें तो ऐसा देखिए, आप फाइनली बोलोगे कि अब हमारा इंड्यूस वाला जो है वो एक्सटर्नल वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आ गया और डायरेक्शन वाइज अपोजिट आ गया, इस वजह से अंदर ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। अच्छा इस बात को जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हमसे समझना चाहो तो आप ये बोलोगे कि ये जो फील्ड लाइन्स है ये यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी और वापस दूसरी साइड से जाके ओरिजिनेट हो जाएगी, इधर से टर्मिनेट होगी और अपोजिट साइड से ओरिजिनेट होगी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक नहीं है, ठीक। अब थोड़ा सा और चीज़ें देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है टर्मिनेट होगी, ऐसे नहीं कि पैटर्न पहले जैसे रहे, क्योंकि इंड्यूस वाले की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, तो ये बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है, अच्छा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो फील्ड लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अंदर आपका सब रिजल्टेंट जीरो है, इसलिए अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं दिख रहा, बाहर का फील्ड पैटर्न चेंज हो जाएगा, इस वजह से बाहर वाली लाइन में भी थोड़ी चेंजेज होगी, ठीक। और इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा वो है सरफेस पे, कि सरफेस पे लाइन का नेचर कैसा रहेगा, ठीक है। तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं ये आपके पास ऐसे दिखा रहा हूँ, तो अभी तो इसका एक कंपोनेंट आ रहा है जो एक जो सरफेस है उसके साथ एक एंगल पर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं, एक सरफेस के परपेंडिकुलर, एक सरफेस के पैरेलल, और सरफेस के पैरेलल वाला कंपोनेंट जो है वो आपके पास फील्ड से चार्जेस पे फोर्स लगाएगा, और सरफेस के पैरेलल चार्ज का मूवमेंट पॉसिबल है, इस वजह से चार्ज का फर्दर मूवमेंट होगा, और कब तक होगा, जब तक कि पैरेलल वाला कंपोनेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, और जब टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा उस मोमेंट पे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन रुक जाएगा, फिर आपका फाइनल अरेंजमेंट मिलेगा। तो ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो बेसिकली परपेंडिकुलर टर्मिनेट होती हुई इधर दिखाई देगी, ठीक है। यानी कि ये जो आपके पास कंडक्टर पे, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के हमेशा क्या आएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। और वापस ओरिजिनेट होते हुए देखोगे तब भी आपको ऐसे ही दिखेगी, इस तरीके से फील्ड लाइन्स आएगी, जहां भी सरफेस के परपेंडिकुलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरफेस के पैरेलल क्यों नहीं हो सकती, वो मैं अभी बता चुका हूँ, सरफेस के पैरेलल होगी तो वहां पे आपके पास चार्जेस का मूवमेंट होगा,
तब तक होता रहेगा जब तक कि वो चीजें सेटल ना हो जाए। इस तरीके से नजारा थोड़ा चेंज जाएगा। तो दो कंफ्यूजन यह रहते हैं, मैं दोबारा उनकी बात करूँ। पहला, कुछ लोगों को लगता है कि कंडक्टर के अंदर आपके पास ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यदि पूछ रहे हैं अंदर कितने, तो उतने ही जितना पहले था। अंदर रिजल्टेंट जीरो हुआ इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिजल्टेंट फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, बराबर है। तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। यानी कि अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ रिजल्टेंट की बात करूँ तो ये जो अंदर जो कंडक्टिंग रीजन है, ठीक है, जो अभी इनसाइड की बात हो रही है, इनसाइड जो कंडक्टिंग रीजन है वह ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और सरफेस की बात करें तो सरफेस में जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो आपके पास जीरो रहेगा, और सरफेस पे जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो अभी नॉन जीरो है। तो कभी भी कंडक्टर के अंदर ही जो कंडक्टिंग रीजन है वहाँ कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल नहीं रहेगा, ओवरऑल हमेशा जीरो रहेगा। इवन सरफेस पे टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगी कंडक्टिंग सरफेस के, बराबर है। तो हमने दूसरे कॉन्सेप्ट की बात कर ली कि एक न्यूट्रल को रखा जाए तो क्या नजारा रहेगा, बराबर है। अब देखते हैं कि चार्ज वाले को रखा जाए तब नजारा। अब थर्ड केस डिस्कस करते हैं कि चार्ज कंडक्टर को यदि मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तब क्या होगा। ये कंडक्टर जिसको पॉजिटिव चार्ज क्यू दिया है, हमें जो पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था वहाँ हम बात कर चुके हैं कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिर्फ सरफेस होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता है। अब इसको मैं रख रहा हूँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और देखते हैं तब क्यों। अभी क्या हालात, आपको पता है कि अभी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जीरो है, सरफेस के बाहर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको वो परपेंडिकुलर रहेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं रहेगा और वो कभी भी नहीं रहेगा। अब ये पूरा नजारा यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तब क्या होगा, तो वही जो अपन स्टेप टू में बात कर रहे थे बिल्कुल वही बात यहाँ भी करेंगे, कोई अलग से कुछ नहीं है। हम यहाँ बोल सकते हैं कि भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब अंदर आपके पास कंडक्टिंग रीजन वाले जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इन पे फोर्स लगाएगा, अगेन उनका मूवमेंट होगा, नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ मूवमेंट होंगे और पॉजिटिव चार्ज यानी कि पीछे बाउंडेड चार्ज इधर आ जाएगा, इधर के साइड में कुछ नेगेटिव चार्ज आने शुरू होंगे, बराबर है। और ये वाला नेगेटिव चार्ज आपके पहले से जो पॉजिटिव चार्ज थे उनको न्यूट्रलाइज भी करेंगे, ठीक है। इधर के साइड में इंड्यूस वाला नेगेटिव चार्ज आएगा कुछ, और इधर के साइड में कुछ पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज आएगा, तो इधर आपस पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे, इधर पॉजिटिव चार्जेस कम होके वो आपस नेगेटिव तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगेन फिर वही बात करेंगे कि कब तक ये मूवमेंट होगा, अंदर अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल वाला है ई नोट, और अभी ये इंड्यूस वाले की वजह से ये जो आपस चार्जेस ट्रांसफर हुए इनकी वजह से अब जो नया वाला रहेगा ये इक्वल मैग्नेटिक और अपोजिट डायरेक्शन में आके फाइनली अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कर देंगे, जीरो। देखने वाले को ऐसा लगे क्योंकि अभी भी यदि मेरे पास पूछा जाए कि इस कंडक्टर पे टोटल चार्ज कितना है तो टोटल चार्ज क्यू भी है, लेकिन ये टोटल चार्ज क्यू रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, पहले जैसे तरीके से नहीं रहा। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो इधर की साइड में आपके पास ऐसे टर्मिनेट हो जाएगी और उधर की साइड से दोबारा से ओरिजिनेट हो जाएगी। तो मैं बोलूँगा इधर की साइड में सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही बचेगा और उधर की साइड में आपके पास पॉजिटिव चार्ज बचेगा, इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। और अंदर कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ जो चीज़ समझ में आ रही है मैं ये बोल सकता हूँ कि जो पहले से चार्ज था वो चार्ज का रीअरेंजमेंट हुआ, और एक तरीके से बाहर वाला जो सरफेस वाला चार्ज है वो इस बात का ध्यान रख रहा है कि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना आ जाए बाहर से, ठीक है। जैसे बाहर एक्सटर्नल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ना इसे कंडक्टर एरिया में चले जाए, इस बात का ख्याल कौन रख रहा है, इस सरफेस वाला चार्ज। अच्छा यदि पूछा जाए सेकेंड वाले केस में क्या था, वहाँ तो सरफेस पर चार्ज नहीं था तो चार्ज इंड्यूस हो गया, न्यूट्रल चार्ज था यानी जीरो चार्ज था, लेकिन जीरो चार्ज भी
एक तरीके से रीअरेंजमेंट हो गए जीरो का भी, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव इस तरीके से बन के सरफेस के ऊपर चार्ज हमेशा इस तरीके से अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं तीनों ये थर्ड वाला केस है ये भी आपको समझ में आया। कुछ और केस पे अपन डिस्कस करते हैं, बराबर है। अब हम फोर्थ केस की बात करें। अब हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर एक केविटी, केविटी यानी कि ये वाला पार्ट होलो है, अंदर का इतना सा रीजन होलो रीजन, यहाँ कोई मटेरियल नहीं है। ठीक है, यदि यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जो मैंने रेड वाला सर्किल बनाया इसके अंदर कुछ भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। हाँ, इस रीजन के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, पूरा कंडक्टर है, इसमें इतना सा पार्ट में केविटी की बात कर रहा हूँ, बराबर है। अब यहाँ कुछ अलग अलग सिचुएशन की बात करें। इसका पहला पार्ट, सपोज मैं एक कंडक्टर को चार्ज दे रहा हूँ लेकिन केविटी के अंदर पहले से कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? अगेन हमें पता है जब भी आप कंडक्टर को चार्ज दोगे वो चार्ज सिर्फ उसके कंडक्टर के सरफेस पर आने वाला है। तो ये जो भी चार्ज किए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, इस पूरे कंडक्टर के सरफेस पर आएगा। और कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज हमेशा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इस सरफेस वाले चार्ज की वजह से अंदर कहीं भी देखोगे तो अंदर वापस ही कंडक्टिंग रीजन भी है और केविटी भी। तो कहीं भी देखा जाए, केविटी के अंदर देखा जाए या इस कंडक्टिंग रीजन में देखा जाए, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इनसाइड की बात कर रहे हो तो इनसाइड में कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, चाहे वो आप केविटी के अंदर हो रहे हो या इस कंडक्टर के अंदर हो रहे हो, इस पूरे जोन में कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। सरफेस पे रहेगा लेकिन सरफेस में सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट रहेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं रहेगा। और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ चार्ज, तो इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसा हमने ये जो फर्स्ट वाला केस पढ़ा ना बिल्कुल वैसे हुआ, यानी कि ये केविटी है नहीं, इसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। ठीक, अभी यदि कोई पूछ रहा है कि केविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये लेवल पॉइंट स्मॉल ए और बी, तो चाहे स्मॉल ए बोलूँ या स्मॉल बी, दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कितना है, जीरो। अब इस प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ कि सपोज यही वाला चार्ज क्यू है, मैं कंडक्टर को कोई चार्ज नहीं देता, कंडक्टर का चार्ज कितना है, जीरो, और केविटी के अंदर एक चार्ज रख देता, चार्ज इनसाइड केविटी नॉन जीरो, ये सपोज में स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ केविटी के अंदर एक चार्ज स्मॉल चार्ज क्यू है, ये रख दिया। अब देखते हैं अब सिचुएशन क्या है, ये अपन सेकंड केस की बात करें। ठीक है, पहला केस तो हमने पढ़ लिया था, अब सेकंड केस की बात करें, फोर्थ का भी सेकंड केस ले। अब कैसे हो आप एक बार पहले पॉइंट चार्ज को इमेजिन करो, सिर्फ इसी पे फोकस करो, तो आपको पता है कि एक पॉइंट चार्ज अपने सराउंडिंग में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, बराबर है। बाकी आप केविटी कंडक्टर सब भूल जाओ, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक बार सोचो तो इस तरीके से थ्री डायमेंशनली हर एक डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी। ठीक है, तो ये अपनी प्रेजेंस की वजह से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इवन उस जगह भी बना रहा है जहां बनता नहीं है। कहाँ नहीं बनता, ये जो कंडक्टिंग रीजन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं इन पर फोर्स लगेगा, इसका मोमेंट होगा और एक और नया इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और वो इस बात की गारंटी लेगा कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन पर फाइनली फोर्स लगना बंद हो जाए। ठीक है, तो वो कैसे होगा, आप यदि फील्ड लाइन से समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा, आप अलग अलग तरीके से समझ सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और फील्ड लाइन से सोचो कि इस क्यू की जो भी फील्ड लाइन्स है वो इस रीजन में नहीं आनी चाहिए, इसका जो भी यहाँ से लाइन है ओरिजिनेट हो रही है, पॉजिटिव मान रहा हूँ तो ओरिजिनेट हो गया कॉस, तो ये लाइन सरफेस पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी। कहाँ टर्मिनेट हो जाएगी, सरफेस, तो सारी की सारी टर्मिनेट हो रही है, तो आप ये जो फ्लक्स वाले कॉन्सेप्ट बोल सकते हो इस केविटी के जो सरफेस है, केविटी वाली सरफेस, यहाँ पे माइनस का क्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्यू चार्ज आया कहाँ से, ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा ना रेडियल आउटवर्ड, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन माइनस के क्यू आएंगे तो सरफेस पे प्लस के क्यू आ जाएंगे। ठीक,
क्योंकि ये कंडक्टर आपके पास न्यूट्रल था, जो भी चार्ज था केविटी के अंदर था, कंडक्टर न्यूट्रल था तो न्यूट्रल ही रहेगा। अभी भी देख लो केविटी जो सर्फेस है वो कंडक्टर का पार्ट है, तो केविटी सर्फेस है माइनस क्यू और कंडक्टर का आउटर सर्फेस है प्लस क्यू। इस तरीके से कंडक्टर अभी भी न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू से है, अच्छा इस प्लस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ये प्लस क्यू इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसे पार्ट वन में बताया कि इस प्लस क्यू की वजह से अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा कहीं भी। इस प्लस क्यू की वजह से कहीं भी अंदर आप पॉइंट ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रहेगा क्या? बोलोगे जीरो। ठीक, बाहर बोला जाए तो बाहर जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है कि भाई आपके पास जो डेंसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि जहाँ शार्प टर्न है कर्व है वहाँ डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, और जब फ्लैट रीजन है वहाँ आपके पास डेंसिटी कम रहेगी। तो इस प्लस क्यू की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर एक और चीज, ये वाला जो माइनस क्यू है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? अच्छा, माइनस क्यू की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये माइनस क्यू इस वजह से आया है कि इस क्यू की वजह से इस कंडक्टिंग रीजन में कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना आए, तो ये क्यू अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा यहाँ पे कि इन दोनों की वजह से मिलके केविटी के बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। केविटी के अंदर वाला चार्ज केविटी के सरफेस होता है, इन दोनों को जब एक साथ कंसीडर करें, इन दोनों के रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो केविटी के आउटर में कहीं, केविटी का आउटर मतलब ये कंडक्टिंग रीजन भी है बाहर वाला भी कहीं भी। जैसे मैं तीन अलग अलग पॉइंट ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, स्मॉल ए केविटी के अंदर है, बी कंडक्टर के अंदर, केविटी के बाहर, सी दोनों के बाहर। ठीक है, तो केविटी के अंदर वाला चार्ज और इसके सरफेस वाला चार्ज, इन दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बी पॉइंट पे भी जीरो होगा और सी पॉइंट पे भी जीरो होगा, बराबर। और ये जो प्लस क्यू है आउटर सरफेस पे, इसकी वजह से अंदर कहीं भी देखो ए और बी दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक, अब बात करते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की। यदि आपको बोला जाए कि सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वैसे तीनों चार्ज इक्वल है, क्यू ये माइनस क्यू ये क्यू, ठीक, बट फिर भी मैं आपको थोड़ी देर के लिए नंबरिंग कर देता हूँ कि चार्ज वन का मतलब मैं इसे बोलूँगा अंदर वाला, ये मैग्नेट्यूड वाइज इक्वल हुए, ठीक है, वन टू थ्री, ताकि आपको समझ में आए मैं कौन से चार्ज की बात कर रहा हूँ। यदि आपको सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो सी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ चार्ज थ्री की वजह से होगा। ऑफकोर्स यहाँ पे वन टू थ्री तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, टू वाले की पोलैरिटी नेगेटिव है, वन और थ्री की पॉजिटिव। ठीक, सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड को वो सिर्फ थर्ड वाले की वजह से, क्योंकि सी पे, अच्छा सी पे यदि बोला जाए कि क्या सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चार्ज टू की वजह से या चार्ज वन की वजह से, तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा, बिल्कुल सी पे इस क्यू की वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, लेकिन इन दोनों का एक साथ देखा जाए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू क्यू टू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू क्यू वन, तो वो मिलके जीरो होगा। ये बात सी के लिए भी वैलिड है और यही बात बी के लिए भी वैलिड है, समझ नहीं बात। इसलिए जो अपन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वहां पे लैंग्वेज आराम से देख लो, वो बोलेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ इस क्यू की वजह से, तो ऐसे नहीं कि सर जीरो, बिल्कुल नहीं। ठीक, अच्छा इन दोनों की वजह से मिला के कितना हुआ, तो जीरो होगा। इन तीनों की मिला के क्या हुआ, तो सिर्फ थर्ड वाला ही बचेगा। ठीक है, सिमिलरली बी पे बात करें, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इन दोनों को मिला के बी पे कितना गया, जीरो, और थर्ड वाले की वजह से बी पे है नहीं, तो बी पे तो ओवरऑल भी जीरो रहेगा। बी पे बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल जीरो है, थर्ड वाले के इंडिविजुअल खुद की वजह से भी बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे क्यू थ्री की वजह से कितना होगा, तो भी जीरो होगा। वन और टू दोनों की वजह से होगा, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन वाला होगा, इस वजह से बी पे ओवरऑल आपके पास जीरो रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ए की। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा कि नहीं रहेगा, 100% रहेगा। यदि नहीं रहता तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्यों बना रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करें, तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
ठीक है, क्या बोला हमने, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ जो ई वाला पॉइंट है जो कंडक्टर के अंदर है, कंडक्टर के अंदर है लेकिन वो कंडक्टिंग रीजन में नहीं है। तो यदि आपको कभी भी ऐसा लगे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये स्टेटमेंट उतना सही नहीं है। हाँ, कंडक्टिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो है, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। जैसे अभी ए पॉइंट है, ये कंडक्टर के अंदर है लेकिन कंडक्टिंग रीजन में नहीं है, यानी कि जहाँ वो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ सॉलिड रीजन नहीं है ना, वो एक होलो पार्ट है, ठीक है, तो कंडक्टिंग रीजन नहीं है। ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो रहेगा, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास नॉन जीरो रहेगा। अच्छा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किसका कैसे हुआ, Q3 का डिस्ट्रीब्यूशन हमें बता दिया किस तरीके से हुआ, Q2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से होना चाहिए, वो Q1 की पोजीशन पे डिपेंड करेगा, बराबर है, किसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा, Q1 पे। अच्छा, यदि मैं Q1 जो है इसको मैं अंदर इसकी लोकेशन को ऐसे चेंज करता हूं तब क्या होगा, यदि मैं इसकी लोकेशन को चेंज करूंगा तो Q2 को अपना रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि इन दोनों के जैसे आउट बी और सी पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, बराबर। क्या Q1 के मोमेंट से Q3 पे कहीं कोई असर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, Q3 को कोई फर्क नहीं पड़ता, Q3 का डिस्ट्रीब्यूशन किस पैटर्न क्या रहेगा वो आपके पास इस तरीके से, जो हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ के आए पहले चैप्टर में, जो पहला टॉपिक इसमें पढ़ा था ना कि कंडक्टर चार्ज एनपी होगा, क्योंकि सरफेस वाला चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है किस तरीके से होता है, बराबर है। तो Q3 वाला तो इस तरीके से रहेगा कि पोटेंशियल हर जगह एक जैसा है, ठीक। अच्छा, कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं, इसमें दो पार्ट तो अपने डिस्कस कर लिए, तीसरा पार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं, दोनों को चार्ज दे दें, मतलब कंडक्टर को भी दे दें और कैविटी के अंदर भी रख दें, तब क्या नजर होगा ये भी बात कर लेते हैं। अब देखते हैं कि भाई एक जो हमारा कंडक्टर है इसको भी चार्ज दिया, अंदर जो कैविटी है उसके अंदर भी चार्ज रख दिया, अब देखते हैं क्या नजर है, अंदर से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कैविटी है, इस कैविटी वाले चार्ज से जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वही इस कंडक्टिंग रीजन में भी आएगा, ठीक है, और इस बात को सेटल करने के लिए इसके सरफेस पे माइनस का स्मॉल क्यू ये चार्ज आ जाएगा, और ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आना चाहिए, ये भी अपन थोड़ी देर पहले पढ़े, ठीक है। और यहाँ पे रीअरेंजमेंट से ये जो चार्ज आया ये इंड्यूस वाला है तो कंडक्टर उतना ही सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो सरफेस पे ओवरऑल चार्ज कितना, ये जो अपन एक्सटर्नल चार्ज देते हैं वो तो हमेशा सरफेस पे आता है, तो सरफेस पर टोटल चार्ज रहेगा कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, ये टोटल चार्ज रहेगा सरफेस, और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है कि हर जगह पोटेंशियल एक जैसा हो या सरफेस चार्ज डेंसिटी रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस तरीके से। तो इन दोनों को मिला के अंदर कहीं भी, चाहे आप यहाँ देखो यहाँ देखो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बाहर होगा, ठीक है। इन दोनों की बात करें, दोनों को मिला के जो रिजल्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस रेड वाली लाइन के बाहर कहीं भी नहीं होगा, रेड वाली लाइन के बाहर में यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। तो जैसा भी जस्ट पिछले वाला पार्ट था वैसा ही रहेगा, ठीक है। और फिर से वही बात है, इस पार्ट के लिए आप मूवमेंट करवाओगे तो इस माइनस क्यू रीअरेंज करेगा अपने आप को, लेकिन आउटर सरफेस का जो टोटल चार्ज है इसके ऊपर कहीं कोई असर नहीं आएगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कहीं कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वाला जो सरफेस वाला चार्ज है इसका पैटर्न इस बात पे डिपेंड करता है कि सरफेस की कर्वेचर कैसी है, ठीक है, और ये वाला इस बात पे डिपेंड करेगा ये अंदर कहाँ रखा हुआ है, ये माइनस के इस बात पे डिपेंड करेगा क्योंकि पोजीशन किस तरीके सेटल की हुई, ठीक है, उसके बेसिस पर हम बात करेंगे। अब देख लेते हैं ये जो भी अपने फोर्थ केस में पढ़ा ना, ये सारी चीजें दी, अब इस पूरे पार्ट में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तब नजारा कैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये अपन बात कर ली कि भाई कंडक्टर के अंदर एक कैविटी के अंदर भी चार्ज दिया, कंडक्टर को भी चार्ज दिया है, तब इसका कैसे रीअरेंजमेंट होगा वो सब हम बात कर, अब बोले पूरा का पूरा सेटअप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, ठीक है।
सपोज ये रहा एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तब नजारा क्या होगा, ठीक है। तो फिर से कहाँ कहाँ हमें आपत्ति हो रही वो चेक करो, ठीक है। तो जैसे आप इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे, अंदर इस कंडक्टिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, सबसे बड़ी आपत्ति तो यही है, ठीक है। ये जो कंडक्टिंग रीजन है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसको बैलेंस करने के लिए ये मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी है, इधर की साइड लाए फील्ड लाने को। तो यहाँ वाला जो बी पॉइंट की जो हम बात कर रहे थे कंडक्टिंग रीजन पे, यहाँ पे इन दोनों की वजह से पहले जीरो था, आउटर वाले की वजह से भी जीरो था, लेकिन अब एक्सटर्नल वाला बी पे कुछ आगे हुआ है ए वाला, ठीक है। इसको नलीफाई करने के लिए फिर से कुछ चार्जेस का मूवमेंट होगा, इस सरफेस पे कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे और इस सरफेस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होंगे। जितना इधर नेगेटिव आएगा माइनस का क्यू आई, उतना ही इधर के साइड में पॉजिटिव आएगा प्लस का क्यू आई। ओवरऑल इसके सरफेस पे उतना ही चार्ज रहेगा जितना पहले था, कितना, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। लेकिन अब बी रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रह जाएगा, बी पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो बी पे जीरो आ जाएगा। एक्सटर्नल वाला देखो, ये जो अब नया इंड्यूस हुआ है, ये नया इंड्यूस बोलो या बोलो कि ये वाला जो है ना कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, ये सरफेस पे रिजल्टेंट चार्ज है, ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि ये सरफेस के चार्ज इस बात की हमेशा गारंटी लेते हैं कि बाहर वाली फील्ड लाइंस अंदर ना जाए, तरीके से ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। क्यों नहीं होता ये सब चीज़ अब तक आपको पता चली होगी, सब जो मेन फंडा है कि यहाँ पे जो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा अपने आप को अरेंज करके चीज़ें सेटल कर देते हैं कि फाइनली स्टेबिलिटी आ जाती है उन जगहों पे, मतलब फोर्स नहीं लगता वहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता जहाँ फ्री चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बराबर है। तो अब बाहर वाले फील्ड की वजह से सरफेस पे रीअरेंजमेंट हुआ, जिसे अंदर कोई रिजल्टेंट फील्ड की बात है, अंदर कहीं भी पाएंगे, बी पे देख लो ए पे देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे कि सरफेस वाला प्लस एक्सटर्नल दोनों मिलकर कितने, तो जीरो। पहले से ये अकेला मिलकर जीरो था, अब इसने अपने आप को चेंज किया और फाइनली बाहर वाला और एक्सटर्नल मिलकर अंदर क्या रहेगा, जीरो, चाहे ए देखो या बी देखो। तो इस तरीके से एक्सटर्नल वाला चार्ज बाहर, सॉरी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड या बाहर कोई चार्ज रख देंगे, उस केसेस में सरफेस वाला चार्ज अपने आप को रीअरेंज करेगा, और अंदर वाले चार्ज की पोजीशन चेंज करेंगे तो केविटी के सरफेस वाला चार्ज अपने आप को शटल करेगा, ताकि इनका फील्ड बाहर बने, कंडक्टिंग रीजन बनाए, बराबर है। तो ये जो लास्ट में अब ये जो अपन फिफ्थ पॉइंट की बात करें, इसमें लगभग सारी अपनी पुरानी चीज़ें कवर हो गई, बराबर है। इसका मतलब अभी आपके पास एक स्पीयर है, रेडियस कैपिटल आर, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, स्पीयर के अंदर एक कैविटी है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, और कैविटी के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू, और बाहर एक पॉइंट पी है जिसकी कैविटी के सेंटर से डिस्टेंस आर वन, स्पीयर के सेंटर से डिस्टेंस आर टू, और पी पॉइंट पे मैं बोला कि पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पी पॉइंट पे, और पी पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोबारा आएंगे कि भाई चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे आप इस क्यू की बात करोगे, इस क्यू की वजह से इसकी क्यूबिटी के सरफेस पर एग्जैक्टली उतनी मैग्नीट्यूड का चार्ज अपोजिट पोलैरिटी में, यानी कि माइनस का क्यू आ जाएगा, और ये दोनों मिलकर बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास कैविटी की जो सरफेस है ना वो यूनिफॉर्म है, और सरफेस से जो चार्ज की पोजीशन वो भी देखते देखते सेंटर पे रखी है, इस वजह से आप बोल सकते हो कि भाई ये जो माइनस क्यू है प्लस क्यू, तो आप ये सेंटर वाला स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड आप आराम से देख सकते हो, माइनस क्यू वाला तभी कैंसिल कर पाएगा जब माइनस क्यू एकदम यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि सरफेस पे हमेशा ये स्पीयर है, स्पीयर यूनिफॉर्म होता है तो आप उसे सेंटर पे मान के पाइप वाला फॉर्म लगाते हो, तो इसका मतलब ये वाला चार्ज माइनस का क्यू ये इसके सरफेस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, कब, जब ये वाला प्लस का पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा होगा तब ये वाला माइनस क्यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, और दोनों पे जैसे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे आप यहाँ बात करो या बाहर बात करो कोई नहीं होगा, इन दोनों को मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और यहाँ पे सरफेस पे माइनस क्यू इंड्यूस होगा तो आउटर सरफेस पे प्लस का क्यू आ जाएगा, और प्लस क्यू आपको पता है स्पीयर के ऊपर तो रेडियस ऊपर विचरित जैसे, तो
ये वाला क्यूब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जब भी चार्ज स्फीयर पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आउटर पॉइंट के कैलकुलेशन के लिए हम उस पूरे चार्ज को सेंटर में मान के बात कर सकते हैं। तो इस पी पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा तो इन दोनों के जैसे नहीं रहेगा, सिर्फ इसकी वजह से रहेगा, और इसकी वजह से तो फॉर्मल पॉइंट चार्ज वाला लगेगा। मैं लिख सकता हूँ के क्यू अपॉन आर टू का स्क्वायर, बराबर है, डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। अच्छा पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल में लगा देंगे के क्यू अपॉन आर, बराबर है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला भी आ गया। अच्छा ये बताओ, इसी प्रॉब्लम के अंदर ये जो केविटी की सरफेस है ये एकदम परफेक्ट स्पीयर ना होके रेंडम शेप होता तो क्या हमारे आंसर पे कोई असर आता? थोड़ा सोच के देखो, तुम्हारे आंसर पे कहीं कोई असर नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जीरो ना, हम बात कहाँ की कर रहे हैं, पी पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, जीरो। अच्छा यहां देखा जाए ना, यहां एक पॉइंट ले लिया जाए ए, इस केविटी के सेंटर से आर थ्री डिस्टेंस में। अब इस ए पॉइंट के बारे में बात करो, पिछली बार मैंने ए पॉइंट पर ज्यादा फोकस नहीं किया था, यदि आपने नोटिस किया तो, ठीक है। अब ए पॉइंट पर बात करो, मैंने पिछले बी और सी पर आराम से खुल के बात की थी, ए पे बताओ। अब ए पे क्या होगा, आपके पास ये जो स्पीयर के सरफेस में माइनस क्यू है ये आपके पास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि ये वाला पॉइंट चार्ज सेंटर पर रखा हो, और आपको पता है कि जब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस केस में स्पीयर के सरफेस वाले चार्ज की वजह से अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता। तो इस ए पॉइंट पे ये वाले माइनस क्यू की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, प्लस क्यू की वजह से ऑलरेडी नहीं है, तो सिर्फ इस पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगेगा इस सेंटर वाले की वजह से। ये सेंटर की जगह कहीं और रख दिया जाए तो फिर कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर ये सरफेस वाला जो चार्ज है ये वाला माइनस, ये आपके पास नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसकी वजह से भी अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, और वो सिर्फ अभी नहीं है। अच्छा बाहर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो क्या इन दोनों पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, ये जहाँ है वही रहे, इन दोनों के ऊपर बाहर वाला आएगा, ये सब मैं आपको रीअरेंज कर देंगे इस तरीके से, बराबर है। तो ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बातें हो गई, कुछ और भी डिस्कस करते हैं। अच्छा यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक अनचार्ज कंडक्टिंग सेल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, और इस अनचार्ज कंडक्टिंग सेल के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज रखा है प्लस क्यू, और इस स्पीयर के अंदर एक पी पॉइंट है जिसकी सेंटर इधर से डिस्टेंस जेड है और पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस वाई है, और आपको बोला इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। ये वाला बहुत ही शानदार चीज़ है, आराम से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग। अब पी पॉइंट पे जब कैलकुलेशन की बात करें, सबसे पहले देखो इस क्यू चार्ज से होगा क्या। यदि क्यू चार्ज नहीं होता तो हमारे पास एक कंडक्टर है अनचार्ज है जिसके सरफेस पे कोई चार्ज नहीं था, तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, बाहर कोई इलेक्ट्रिक नहीं, सब एकदम बढ़िया। ये वाला पॉइंट चार्ज एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो इस कंडक्टर के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में सरफेस में चार्जेस इंड्यूस होंगे, या फिर आप इसको देखो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगी वो इस तरीके से आएगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे ही यहाँ पहुंचेगी, अब आगे आपके पास कंडक्टिंग रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आगे नहीं जाएगी, इसके सरफेस पर टर्मिनेट हो जाएगी, जितनी इधर टर्मिनेट होगी उधर ही उतनी अपोजिट साइड से वापस ओरिजिनेट हो जाएगी, यानी इस पॉइंट पे इधर वाली जो सरफेस रहेगा तो इस पे कुछ माइनस का क्यू आई इतना कुछ इंड्यूस चार्ज, इधर की साइड में कुछ पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज आएगा, पर इंड्यूस चार्जेस की वजह से और बाहर वाले की वजह से सब मिला के अंदर अब पी पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ये हमें पता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ही रहा है, वो बोला पी पे पोटेंशियल कितना होगा। यदि पी पे पोटेंशियल की बात करें तो मैं पी पे क्यू की वजह से पोटेंशियल निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला जाएगा। माइनस क्यू और प्लस का क्यू आई इनका डिस्ट्रीब्यूशन तक हमें पता नहीं कि एग्जैक्ट किस इक्वेशन के थ्रू, तो इनकी वजह से पी पे कैसे निकालें तो हमें पता ही नहीं,
इस स्टोरी को हमें दूसरे नजरिए से बात करना, हम बोलते हैं एक काम करो, एक सेंटर पाओ, उस पर बात करो। हाँ सेंटर बात कर लेंगे, क्या अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो अंदर हर जगह पोटेंशियल एक जैसा होगा? हाँ अंदर हर जगह पोटेंशियल एक जैसा होगा। तो यानी कि पी पे उसने पोटेंशियल पूछा है और यदि मैं सी पे बता दूं पोटेंशियल कितना है तो हमारे आंसर पे कोई असर नहीं होगा। पी पूछा लेकिन मैं सी बता दूंगा तो भी कोई बात है, सी का कुछ खास बेनिफिट है क्या? बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। सी पे क्या बेनिफिट होगा? सी पे देखो, सी पे इस पॉइंट क्यू की वजह से पोटेंशियल पूछेगा, पॉइंट क्यू की वजह से आप लिख दोगे के क्यू अपॉन स्मॉल आर। अब माइनस का क्यू आई और प्लस क्यू आई, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी रहा हो लेकिन सारे चार्जेस, आप इनके जो भी एलिमेंट एलिमेंट छोटे छोटे देख लो, सबकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है। यदि सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, जब आप पोटेंशियल की बात करोगे के क्यू अपॉन आर, आर सबके लिए इक्वल है, क्यू अलग लगाएगा, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री ऐसे अलग अलग टुकड़े पर उतनी वापस एक नेगेटिव वाले टुकड़े में आएंगे, तो बाकी सब आपके पास कॉमन आ जाएगा, अंदर टोटल चार्ज बचेगा। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे ना, छोटे छोटे एलिमेंट की बात करूँ मैं लिखूंगा के छोटे से चार्ज डी क्यू अपॉन आर, टोटल पोटेंशियल की बात करूँगा जिसको इंटीग्रेट करूँगा तो के और आर तो सारे डी क्यू के लिए इक्वल है, अंदर तो डी क्यू बचेगा और टोटल चार्ज का एडिशन कितना इंडिविजुअल है तो नेट तो जीरो है। तो आपके पास सेंटर पे इंडिविजुअल की वजह से पोटेंशियल कितना रहेगा? जीरो। तो जितना पॉइंट चार्ज प्लस वाला है बाहर वाला उसी की वजह से पोटेंशियल है। तो इस तरीके से पी पे पोटेंशियल पूछा, मैंने सी पे निकाला क्योंकि दोनों पे सेम है। अच्छा पी पे क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि पी पे इंड्यूस वाले की वजह से भी होगा। अच्छा तुम तो स्मार्ट बन के पी की जगह से ही निकाल के आ गए और सामने तुमसे भी स्मार्ट निकला, उसने कहा एक काम कर भाई, मेरा मन कर रहा है तुम मेरे को पी पे ना पोटेंशियल बताओ और वो भी सिर्फ इंड्यूस वाले की वजह से बताओ, ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। अब क्या करूं? फिर से मैं बोलेंगे पी पे तो हमें नहीं आता लेकिन हमें सी का पता है और पी और सी पे इक्वल है, तो बोलेंगे पी पे जो पोटेंशियल रहेगा, रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ, वो रिजल्टेंट पोटेंशियल सी के इक्वल होगा। और पी पे जो पोटेंशियल मैं दो वजह से लिख सकता हूँ, पी पे पोटेंशियल बाहर वाले क्यू की वजह से, बाहर वाले क्यू की वजह से तो पता है कितना है के क्यू अपॉन वाई, प्लस पी पे कुछ पोटेंशियल रहेगा इंडिज वाले की वजह से क्यू आई, तो ये आपको पास पता है। तो इस पूरे को इक्वल कर देते हैं के क्यू अपॉन स्मॉल आर, तो पी पे पोटेंशियल इंडिज वाले की वजह से कितना आ गया के क्यू अपॉन स्मॉल आर माइनस के क्यू अपॉन y, क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली कैसा है वो हमें नहीं पता, तो आप हमेशा दूसरों के हेल्प से ही निकालोगे। उम्मीद करते हैं ये प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। ठीक है, इस टाइप की बहुत सारी और भी प्रॉब्लम बनती है जो आप अपने लेवल पे सॉल्व कीजिए।